हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग सीट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स वाली सीट में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए थे, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिविजिबिलिटी के लिए कुछ आपको क्वेश्चंस दे रखे थे प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज दोनों सीटों को हम डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे। तो प्राइम नंबर्स वाली सीट से हम स्टार्ट करते हैं और फिर डिविजिबिलिटी रूल वाली सीट का डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो आपका डिविजिबिलिटी रूल वाली सीट है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी अभी बताने बाकी हैं। तो मोस्टली जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था वो हमने आपको बता दिया है, और जो बचा खुचा कॉन्सेप्ट है वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आएगा। तो आप जो है देखते रहिएगा। और ये यहाँ पर जो है सबसे पहले हम प्राइम नंबर की सीट का डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ रखा था आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स इज 100। द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स इज 100। इफ वन ऑफ देम एक्सटीड अनदर बाई 36, देन वन ऑफ द नंबर इज। तीन अभाज्य संख्याओं का जो योगफल है वो आपको 100 दे रखा है, उसमें से जो आपकी एक संख्या है दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है। तो आपको बताना है, उनमें से एक संख्या बतानी है। देखिए, हमारे पास जो है तीन प्राइम नंबर है, हमारे पास तीन प्राइम नंबर है, और जो तीनों का योग है, तीनों का जो आपका सम है, वो सम किसके बराबर है, 100 के बराबर है। पहले इस लाइन का जो है मतलब निकालते हैं, क्या है इस लाइन का मतलब। तो आप देख सकते हो तीन प्राइम नंबर्स हैं, तीनों को ऐड करके एक वैल्यू आई है, वो 100 लिखा हुआ है। जो ये 100 है वो एक इवन नंबर है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जितने भी ये तीनों प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे ऑड हैं। ठीक है, हमने माना कि ये जो हमारे पास प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड हैं, सारे के सारे ऑड हैं। हमने आपको इवन ऑड की प्रॉपर्टीज लिखवा भी दी थी। तो जब हम ऑड में किसी ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इवन आएगी, यानी इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इवन आएगा। फिर इवन में हमको ऑड को जोड़ना है, इवन में हमको ऑड को जोड़ना है। तो हमने आपको ये भी लिखा रखा है कि जब आप इवन में ऑड को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, इन दोनों को जोड़कर आपका ऑड आएगा, यानी इधर से जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उधर से आपकी जो वैल्यू आएगी वो ऑड आएगी, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उधर जो वैल्यू है वो इवन है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर गलत हो रहा है, वो चीज़ देखिएगा। हमने सारे नंबर्स को ऑड माना है, तो ये हमारे पास निकल के आया कि इधर ऑड आया है, इधर इवन आया है, मतलब कि ये गलत है। जो हमने सारे नंबर्स को ऑड माना है ये चीज़ तो गलत हो गई। तो आपको यहाँ पर एक नंबर इवन मानना पड़ेगा। अच्छा, एक ही नंबर इवन क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइम नंबर इवन होता है। हमारे पास जो प्राइम नंबर, एक ही प्राइम नंबर इवन है, और वो क्या है, 2 है। मानने को हम सारे प्राइम, यहां पर सारे इवन नंबर मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स। तो आपको प्राइम नंबर्स भी लेने हैं, और हमारे पास इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो क्या है, 2। तो ये तो बात फिक्स हो गई कि यहां पर आपको एक इवन वैल्यू लेनी पड़ेगी, आपको यहां पर एक इवन वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 होता है, तो यहां पर हम 2 लिख देंगे। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आप यहां पर चेक करिएगा और आपको जो है पता चल जाएगा कि यहां पर जो 2 है वो 2 अवेलेबल है या 2 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2 इवन होता है, बाकी सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। तो पहली वैल्यू हमको पता चल गई। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इनमें से एक संख्या दूसरे से 36 ज्यादा है, तो हम यहां पर इसको जो है 36 बढ़ा देंगे। हमने इसको 36 बढ़ा दिया तो यहां पर हमको वैल्यू मिल जाएगी 38 वैल्यू मिल गई। लेकिन अब आप यहां पर देखोगे 38 कोई प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 19 × 2 38 होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अर्थात आप इस चीज को ऐसे नहीं कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा, आप 2 को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। अब क्या करोगे, हम मान लेते हैं जो सेकेंड प्राइम नंबर है वो x है, और जो थर्ड होगा वो x प्लस 36, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 36 ज्यादा है। अब हमारे पास इक्वेशन हो गई, हम सभी को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 38। तो 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6। तो यहां से x की वैल्यू है वो 31। आप देखिएगा x बराबर 31, 31 एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड प्राइम नंबर है वो क्या है, x प्लस 36। तो 31 प्लस 36 ये आपके पास हो गया 67। तो ये 67 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये हमारे प्राइम नंबर हो गए कौन कौन से, 2, 31 और 37।
सॉरी 67, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर 100 आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो जो इसका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 67। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इवन और ऑड की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी से आप डायरेक्टली जान सकते हो कि यहां पर एक प्राइम नंबर 2 की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई आर द प्राइम नंबर्स नॉट नेसेसरी कंजुगेटिव, मतलब कि नेसेसरी नहीं है कि वो सारे के सारे कंजुगेटिव हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 350, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 350, इतना हो गया। अब उसके बाद कह रहे हैं कि जो ए इज ग्रेटर देन, ए इज स्मॉलर देन बी सी और डी, इसी तरीके से ई। आगे कह रहे हैं कि आपको जो क्या बताना है, आपको इनमें से एक वैल्यू बतानी है। आपको जो है इतने प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, आपके पास 5 प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें से आपको एक वैल्यू बतानी है, ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल है ये आपको बताना है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर फिर से लगाना है, जब भी आपको प्राइम नंबर्स का सम करके दे दिया जाएगा तब आप इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी से यहां पर चीजों को देखोगे। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो एक इवन नंबर लिखा हुआ है, यहां पर आंसर आपका इवन नंबर लिखा हुआ है। अब भाई अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड हैं। तो देखिए ये दोनों ऑड, तो यहां से क्या बन जाएगा इवन, ये हो गया इवन, ये भी ऑड है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, तो यहां से भी आपका इवन बन जाएगा, और ये बचा ऑड। इस तरीके से इवन में इवन जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, इवन में आप इवन जोड़ोगे तो आपका इवन आएगा प्लस ऑड, इवन में जब आप ऑड को जोड़ोगे तब आपका यहां से ऑड आएगा, ये ऑड आ गया। अब आप यहां पर देखोगे जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है उधर आपका ऑड आ रहा है, जो राइट हैंड साइड है उधर आपका इवन आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई भी वैल्यू इवन ऑड बराबर हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड नंबर्स अलग होते हैं, इवन नंबर्स सारे के सारे अलग होते हैं। इस बात से ये निश्चित हो गया कि आपका जो ये प्राइम नंबर्स लिखे हैं इसमें से कोई एक प्राइम नंबर इवन होगा, और सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो क्या है, 2। अब यहां पर आपका जो एक प्राइम नंबर फिक्स है वो 2 है, लेकिन कौन सा है हमको नहीं पता है। इसमें से एक प्राइम नंबर 2 है, लेकिन आपको हमको ये नहीं पता है कि यहां पर ए की वैल्यू 2 है या बी की वैल्यू 2 है या सी की या डी की, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि इन पांचों में से एक वैल्यू 2 है। अब आप जो नीचे सेकंड लाइन लिखी हुई उस पर आ जाइए, तो अब यहां पर देखोगे इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब है ए इज स्मॉलेस्ट। ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि ए इज द स्मॉलेस्ट, यहां पर जो ए है वो सबसे छोटा है, और जो अभी हमने आपको सॉल्व करके बताया वहां से ये चीज निकली है कि 2 जरूरी है, 2 जरूरी है इन पांचों प्राइम नंबर्स में, 2 का होना जरूरी है। अब 2 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर तो होता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो ए की वैल्यू है वही 2 के बराबर है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है 2 की, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है। तो इसका जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये भी प्राइम नंबर से रिलेटेड है, जो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29 आर द प्राइम नंबर्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन वेयर एन इज इंटीजर। तो आपके पास एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29, आपके पास ये तीन प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं। अब देखिए आपको बताने हैं, आपको एन की वैल्यू बतानी है, पॉसिबल वैल्यूज एन की आपको बतानी है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब भी आपके पास प्राइम नंबर्स जो वेरिएबल के फॉर्म में दे रखे हों तो आप जो है उसमें क्या चेक करोगे, डिफरेंस चेक करोगे। यहां पर 2 का डिफरेंस है और यहां पर भी 2 का डिफरेंस है, यहां पर भी 2 का डिफरेंस है और यहां पर भी 2 का डिफरेंस है, और हमने आपको बता रखा है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर पॉसिबल है, वो क्या होता है, 357, 357। इस चीज का मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो डायरेक्टली 3 के बराबर होगी, चाहे आप ये वैल्यू को 3 के बराबर कर दीजिए, चाहे इसको 3 के बराबर, इसको 5 के बराबर कर दीजिए, चाहे इसको 7 के बराबर कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो हर जगह से सेम ही आएगा। तो हम सबसे छोटे वाले नंबर्स को लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो।
तो एन स्क्वायर माइनस 33 इज इक्वल टू 3, यहां से हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर 36, तो एन बराबर प्लस माइनस 6। तो यहां से हमारी जो एन की है वो दो वैल्यूज आ गई हैं, एन की दो वैल्यूज हो गई। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देख जाए कि आपको प्राइम नंबर्स वेरिएबल के फॉर्म में दे रखे हों, तब आपको सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस चेक करना है और फिर प्राइम नंबर्स को ऐसे कॉम्बिनेशन देखने हैं जहाँ पर सेम डिफरेंस हो, उनको आप यहाँ पर लिख दीजिए और एक के बराबर कर दीजिए, यानी कि पहले वाले को पहले वाले के साथ में बराबर कर देंगे और आपका जो है वेरिएबल होगा उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये तो हो गया हमारा प्राइम नंबर्स वाली सीट पे, ये दो तीन क्वेश्चन हमने छोड़ रखे थे वो हमने आपको बता दिए। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ था। तो अब बात करते हैं अपने डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी वाली सीट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखे थे, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट है वो बता देते हैं। आपके पास एक नंबर है 2xx, ये नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो आपको x की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाएगा तो सबसे पहले आप यहां पर चेक करोगे कि ये डिजिट के इवन है या फिर ऑड है। जब आपके पास नंबर का फर्स्ट और लास्ट डिजिट दे रखा हो और उसके जो अंदर के जितने भी डिजिट हैं वो सारे के सारे अगर सेम हैं और नंबर 11 से डिविजिबल है, तब आप जो है यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। वैल्यू क्या होगी, 2 यहाँ पर है और फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर, 2 प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ये कब वैलिड है, जब आपका जो नंबर है नंबर हैज ऑड डिजिट। जब आपके नंबर हैं उसमें ऑड डिजिट होंगे, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 5 अंकों की ये संख्या है, तो ये हमेशा ऑड डिजिट वाले नंबर्स पे ये रूल अप्लाई होगा। जब संख्या 3 डिजिट की होगी, 5, 7, 11, तो इस टाइप की संख्या होगी तब यहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा। नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर आपको दे रखा होगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पर वो नंबर सेम हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो बीच वाले जितने भी नंबर होंगे अगर वो सारे के सारे सेम हैं तो वो क्या होने वाले हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ठीक है, जो बीच के नंबर होंगे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये आप इसको याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 517x324 इज डिविजिबल बाय 12। 517 x 34, ये 12 से डिविजिबल है, आपको x की जो लीस्ट वैल्यू है वो बतानी है। तो हमने आपको बताया था कि 12 का कोई भी स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, आपको इसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। 12 का क्या मतलब है, 3 into 4, यानी कि आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, दोनों रूल लगाने हैं तब आपको x की वैल्यू कॉमन वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर देखोगे क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने 4 की डिविजिबिलिटी में आपको बताया कि आपको लास्ट के दो डिजिट चेक करने हैं, तो अगर आप यहां पर लास्ट के दो डिजिट चेक करोगे तो ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है। अब आपको जो है क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 वाला चेक करना है, आपको बस 3 का चेक करना है क्योंकि 4 का ऑलरेडी डिविजिबल हो चुका है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल यहां पर आप अप्लाई कर दीजिए और आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने आपको बताया था कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, जो भी आपके 3 के मल्टीपल हैं, 3 या 3 का मल्टीपल है उसको कैंसिल करिए और फिर जोड़ने के बाद 3 या 3 का मल्टीपल आए उसको भी कैंसिल करिए। 3 यहां से कैंसिल हो गया, अब देखिए 2 ये लिखा हुआ है, 1 ये लिखा हुआ है, दोनों को ऐड करोगे 2 + 1 = 3 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब आप यहां पे देखोगे 7 5 कितना हो जाएगा, 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है उसको भी हमने कैंसिल कर दिया, आपके पास क्या बचा, 4 + x, ये आपके पास 4 + x बचा। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये नंबर 3 से डिविजिबल कब हो सकता है,
आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि जो एक्स की है वो लीस्ट वैल्यू रखनी है, आपको एक्स की लीस्ट वैल्यू पूछी गई है। तो आप यहां पर इस नंबर को 3 से डिविजिबल बनाइए। कैसे बना सकते हो? देखिए 4 में क्या ऐड करें कि वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आप यहां पर देखोगे कि अगर आप 2 रख देते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा, अगर यहां पे आप 2 रख देते हो तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 यानी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, 5 कर सकते हो। यहां पर जब एक्स की जगह पर आप 5 रखोगे तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, वो 3 से डिविजिबल होता है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, यहां पर आप 8 लिख सकते हो, 8। तो 8 प्लस 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12। 12 भी 3 से डिविजिबल होता है। अब इसके बाद आप कोई भी नंबर नहीं ले सकते हो, क्योंकि डिजिट जो है वो सिंगल ही होता है। तो आगे आपको दो डिजिट में जाना नहीं है, क्योंकि यहां पर आपकी जो एक्स है वो एक सिंगल डिजिट होता है। तो एक्स की ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आप एक्स की ये वैल्यू यहां पर रखोगे तो वो नंबर 12 से डिवाइड होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है कि आपको एक्स की लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो सबसे कम वैल्यू यहां पर 2 हो जाएगी, तो इसका आंसर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इफ एक्स एंड वाई आर द टू डिजिट ऑफ नंबर्स 347xy सच दैट द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 80, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 पता होना चाहिए। तो 10 से डिवाइड होने का क्या नियम है? देखिए 10 से डिवाइड होने का नियम सिंपल सा है, बस नंबर के लास्ट में आपको जीरो अगर दिख जाए तो वो नंबर कंप्लीटली 10 से डिविजिबल होगा। नंबर के लास्ट में अगर आपको जीरो दिख जाता है तो वो नंबर कंप्लीटली 10 से डिविजिबल होगा। जैसा कि आपके पास ऑप्शन अगर दे रखे हों इस तरीके से 524 29250, अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर बताइए कि 10 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, तो आप डायरेक्टली इस नंबर को टिक करोगे। क्यों? क्योंकि इसके डिजिट के लास्ट में जीरो लिखा हुआ है। ये तो एक कॉमन सी बात हो गई, आप सभी लोगों को पता होगी ऑलरेडी। तो 10 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि नंबर के लास्ट में जीरो होना चाहिए, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता है। अब जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है 347xy, ये नंबर जो है वो 80 से, ये जो नंबर है वो 80 से कंप्लीटली डिवाइड है। अगर ये नंबर 80 से कंप्लीटली डिवाइड है, इसका मतलब क्या है 80 का मतलब है 8 into 10, यानी कि आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है और आपको 10 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है यहाँ पर। तो 10 से डिवाइड होने के लिए क्या ये लास्ट वाला डिजिट, क्या ये जो लास्ट वाला डिजिट है क्या वो जीरो नहीं होना चाहिए? ये लास्ट वाला अननोन नंबर है, वो अननोन नंबर जीरो के बराबर होगा तभी ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो y की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आपको यहां से पता चल गई कि y की वैल्यू जो है वो जीरो आने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि x की क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखिए हमने आपको बता रखा है कि 8 से डिवाइड होने का नियम, 8 से डिविजिबल होने का नियम आपको बताया है। 8 से डिविजिबल होने का नियम क्या है, आपको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 8 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, 8 को लिखोगे आप 2 की पावर 3। तो देखिए पावर में कितना है 3, तो आपको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। 3 डिजिट ले लिए, इसको यहाँ पे जीरो कर देते हैं, ये हो गया। लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, 7x0। ये नंबर 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ये नंबर 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर x की वैल्यूज रखो, अब यहाँ पर आप x की वैल्यू रखो और देखो कब ये रिमाइंडर जीरो देता है। ये जो यहाँ पे हमने डिवीजन लिखा हुआ है x की किन किन वैल्यूज पर ये रिमाइंडर जीरो देगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जीरो लिखोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने यहाँ पर x की वैल्यू हो सकती हैं। अब आपको चेक करना है कि कब कब आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा। तो जब आप यहाँ पर जीरो रखोगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं देगा, यानी x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अब आप यहाँ पर एक रखोगे तो एक से भी आपका नहीं आएगा, एक यहाँ पर रखोगे तो आपका यहाँ पर नहीं आएगा। जब यहाँ पर आप टू रखोगे तो 8 9 72 हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 2 पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे लिस्ट वैल्यू तो नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको लिस्ट वैल्यू नहीं पूछी जा रही, आपसे पूछा जा रहा है वैल्यूज आप बताते जाइए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जब 3 रखोगे तब भी डिविजिबल नहीं होगा, 4 रखोगे
फोर पर भी डिविजिबल नहीं होगा, फाइव रखोगे तब भी डिविजिबल नहीं है, एक्स की वैल्यू जब यहाँ पे आप सिक्स रखोगे सिक्स पर डिविजिबल हो जाएगा, जब आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू सिक्स रखोगे, इस तरीके से यहाँ पे हमने सिक्स रख दिया, एक्स है तो एक्स की वैल्यू या तो जीरो होगी या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन, यही में से कुछ हो सकता है। तो हम सारे नंबर्स को यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बार बार लिख के नहीं चेक करना है, बस आपको माइंड से सोचना है कौन सा नंबर हो सकता है। तो जब आप यहाँ पर सिक्स लिखोगे तो ये कितनी बार जाएगा, फोर हो गया और ये फाइव, तब आपका यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आएगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो सिक्स भी पॉसिबल हो सकती है। अब आगे सेवन रखोगे, यहाँ पर सेवन पर नहीं होगा, अगर आप एट रखोगे सेवन पे ये नहीं हुआ, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। जब आप यहाँ पर एट रखोगे तब भी नहीं आएगा, नाइन रखोगे नाइन पर भी नहीं आएगा, तो ये भी आपके ख़त्म हो गए, यानी आपका जो सिर्फ टू हो सकता है सिक्स हो सकता है, एक्स की जो वैल्यू है वो टू हो सकती है सिक्स हो सकती है। आपसे पूछा गया है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, तो देखिए वाई की वैल्यू तो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल दी थी कि वाई की वैल्यू जो है वो जीरो होगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू यानी कभी एक्स टू हो सकता है एक्स सिक्स भी हो सकता है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू टू प्लस जीरो यानी टू भी हो सकती है या सिक्स भी हो सकती है, वो हमारे ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए आप एक्स प्लस वाई की क्या वैल्यू हो सकती है, टू भी हो सकती है और सिक्स भी हो सकती है, तो यहाँ के इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें थोड़ा करेक्शन करना है, यहाँ पर जो है दोनों वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर सिक्स रखोगे तब आपका ये डिविजिबल हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, और एक से लेकर के दस डिजिट तो होते ही हैं, बस हमको छांटना होता है कि कौन सा डिजिट यहाँ पर रखा जाए कि हमारा नंबर इस जो है पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो जाए, तो आपको उसमें से छांटने होते हैं, टेन डिजिट में से आपको नंबर छांटने होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 958985 X36 78Y, तो ये नंबर जो है वो 72 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आपको X और Y की वैल्यू बतानी है, नहीं आपको X की वैल्यू बतानी है, ये नंबर कम्प्लीटली 72 से डिविजिबल है। तो 72 क्या होता है, 9 into 8, यानी जब ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा 9 से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब है कि ये नंबर 72 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 8 से डिविजिबल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ तीन डिजिट देखने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 8 से डिविजिबल कब होगा, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के थ्री जो डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो आप इसको जो है डिवाइड करिए, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए यहां पर आपको y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो यहां पर सिर्फ एक ही वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, वो क्या, 8 into 8 क्या होता है 64। तो यहां पर आपको बस सोचना पड़ेगा अपने मन से कि यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर 4 हो सकता है, जब यहां पर 4 आएगा तभी ये 8 into 8 64 और रिमाइंडर 0 देगा। इसके अलावा आप यहां पर कोई भी डिजिट रखोगे तो आपका जो है वो डिवाइड नहीं होगा, 64 उसके बाद आपका कोई भी डिवाइड नहीं होगा, यानी ये जो वैल्यू है वो 4 के बराबर हो गई। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, यानी 8 से डिविजिबिलिटी मतलब 8 से ये नंबर डिवाइड तभी होगा जब आपके जो लास्ट के तीन डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इसका यूज़ करके हमने यहाँ का जो लास्ट डिजिट है उसकी वैल्यू निकाल ली, ये जब 4 होगा तभी ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा 8 से। तो यहाँ से अब 8 का काम ख़त्म होगा, 8 से हमने जो लास्ट डिजिट निकाल लिया, अब हम 9 की बात करेंगे। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए आपको x की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी 9 से डिविजिबल होने के लिए, तो वही आपको करना है, 6 + 3 9 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे 9 लिखा हुआ ये भी कैंसिल हो गया, 5 + 4 ये भी कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर देखोगे ये हो गया 15 + 8, ये हो गया 23, 15 + 8 23 मतलब कि ये हो गया 5, 23 फिर से ऐड कर देंगे, आपको तब तक ऐड करते रहना है जब तक कि आपको सिंगल डिजिट ना मिल जाए, ये हो गया 5, 5 के साथ में x भी लिखा हुआ है 5 + x, ये नंबर आपको डिविजिबल करना है, ये नंबर आपको डिवाइड करना है 9 से। ये 9 से डिवाइड कब होगा, ये नंबर 9 से डिवाइड तभी होगा जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये नंबर 9 से डिवाइड तभी होगा जब x की वैल्यू 4 होगी। तो x की वैल्यू जब 4 होगी तब 5 + 4 = 9 हो जाएगा,
9 9 से डिविजिबल है, तो x की क्या वैल्यू होगी, x बराबर 4 हो जाएगा और जो y था y बराबर भी 4 हो जाएगा। तो इसमें आपसे x की वैल्यूज पूछ रहे थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहां पर एक कंफ्यूजन है उसको बिल्कुल दूर कर लीजिए। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में दे रखा हो कोई भी नंबर दे रखा हो 5 2 4 3 ये नंबर है, अगर आप दे रखा हो इज डिविजिबल बाई 9, ये यूं कह दें कि इज डिवाइडेड बाई, नंबर ये है इज डिवाइडेड बाई 9, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, आपको रिमाइंडर यहां पर बताने हैं। तो देखिए इसके लिए आपको सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप सारे नंबर्स को ऐड करिए या फिर आप कैंसिल कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। तो देखिए हम यहां पर आपको बेसिक से बता रहे हैं, ये इसको ऐड करेंगे, ये सारे नंबर्स को हम यहां पर ऐड कर देंगे। तो 5 + 2 = 7, 7 + 4 ये हो जाएगा 11, 11 + 4 = 11 + 3 ये हो जाएगा 14, 14 + 4 = 18 ये होगा 18। 5 + 2 = 7, 4 = 11 11 + 3 = 14 + 18 ये हो गया 18। अब देखिए आप 9 से डिवाइड कर रहे हो, 9 से आप डिवाइड कर रहे हो, आपका रिमाइंडर आया है 18, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा, आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो आप जो है इसको दोनों को ऐड करोगे 9, ये हो गया 9। तो 9 से डिवाइड कर रहे हो, 9 रिमाइंडर यानी कि 0 रिमाइंडर। देखिए आपको तब तक डिवाइड आपको जो है तब तक ऐड करते रहना है जब तक आपको एक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता है, चाहे नंबर जितना भी बड़ा हो आपको ऐड करते रहना है सारे डिजिट को। जैसे हमने यहाँ पर इसको ऐड किया, हमारे पास 2 डिजिट का जो है आंसर आया, तो उसको फिर से हम ऐड करेंगे, उसके डिजिट को हमने फिर से ऐड किया तो हमारे पास 9 आया। तो 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 9 रिमाइंडर आ रहा है, इसका क्या मतलब है, हम अगर कोशेंट को एक बार और बढ़ा देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए, जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो तब आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत बेसिक सा एकदम क्वेश्चन था, ये चीज़ हम जो है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है 79x00 79x00 4 बार 0 है, फिर उसके बाद है 1y6 ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड है 88 से। तो 88 का मतलब है 11 × 8। आपसे पूछा गया है x plus y की वैल्यू बतानी है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बताया है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया है। यहाँ पर देखिए x plus y की जो है कंबाइन वैल्यू पूछी गई है, आपसे जो है अलग अलग वैल्यू नहीं पूछी गई, तो आपको दोनों चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से, देखिए इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, ये ऐड किया, इसको ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा 7 + x + y। अब ऑड प्लेस वाले डिजिट को ऐड करेंगे इस तरीके से, 9 ये हुआ और यहाँ पे हो गया 10, 10 + 6 हो गया 16, डिफरेंस 16। ये जो डिफरेंस है वो आपको या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, हमने आपको इस तरीके से बताया है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो सबसे पहले 0 करेंगे, अगर 0 से आंसर नहीं आता है तब हम उसका जो डिफरेंस है वो 11 करेंगे, तो हमने यहाँ पर इसको 0 कर दिया। तो x plus y बराबर 16 - 7, x plus y बराबर कितना हो जाएगा 9, तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। x plus y की वैल्यू जो है ऑप्शन में मैच भी हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, x plus y की जो वैल्यू है वो 9 हो जाएगी। देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड तेज होगी, और यहाँ पर आपको जो डिजिट एक एक लिखकर चेक करने होते हैं वो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, और आपको जो है ये चीज़ माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि यहाँ पर इस डिजिट को रखेंगे तब आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपको एक एक वैल्यू रखकर चेक नहीं करना है। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसमें एक्स या वाई की वैल्यू पूछी जाएगी, तो एक्स या वाई की वैल्यू वो तो 0 से लेकर के 9 डिजिट के बीच में कुछ भी हो सकती है, बस आपको चेक करना पड़ेगा क्या हम इस वैल्यू को रखेंगे, 2 को रखेंगे या 3 को रखेंगे या 4 को रखेंगे, तब जो नंबर है वो दिए गए नंबर से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी चीज़ का खेल है। 5 7 5 7 3 9 8 6 8 7 एक्स 5 ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है, मतलब 8 से डिवाइड करने पर, इस नंबर को 8 से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर है वो 5 बचता है, ये आपका रिमाइंडर है, 5 आपका रिमाइंडर है।
इस नंबर को एट से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 5 आता है, तो आपको जो है x की वैल्यू बतानी है, फाइंड आउट द x। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये हमको दे रखा है कि हमको एक नंबर से डिवाइड करना है और रिमाइंडर इतना आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें से अगर 5 घटा दें, जो आपका रिमाइंडर है वो अगर आप इसमें से घटा दोगे, यानी कि 573987 और ये x यहाँ पर ये 0, तो ये नंबर 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास रिमाइंडर था, जो हमारे पास रिमाइंडर, रिमाइंडर का क्या मतलब होता है, वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है, जो चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है, तो हमने क्या किया, वो जो एक्स्ट्रा चीज़ हो रही थी हमने उस एक्स्ट्रा को यहाँ से घटा दिया, यहाँ से हमने उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो इस चीज़ को जब आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपका जो भी बचेगा नंबर, ये जो नंबर आपका बचा है वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पर जो x की वैल्यू सबसे छोटी वो 2 होगी, क्योंकि 8 9 72 होता है, तो सबसे छोटी जो वैल्यू है यहाँ पर वो 2 होगी। अगर और भी वैल्यू अगर चाहते हो तो आप यहाँ पर x की 3 5 4 6 करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो कि रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर मतलब इतना आ रहा है, तब आप उसमें से रिमाइंडर घटा दोगे तो उसका डायरेक्टली मीनिंग हो जाएगा कि अब जो संख्या हमारे पास नहीं आई है वो संख्या इस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। 30 क्वेश्चन भी यही है। अब जो है प्लेस वैल्यू के बारे में आपको जानना है, व्हाट इज प्लेस वैल्यू। दो चीजें होती हैं, प्लेस वैल्यू होता है और फेस वैल्यू होता है, इस चीज को समझ लीजिए फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। प्लेस वैल्यू और ये होता है फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं स्थानीय मान, इसको बोलते हैं जातीय मान। तो हमारे पास नंबर है 243.246, ये नंबर है, तो इसी का हम प्लेस वैल्यू भी निकालेंगे और इसी की जो हम फेस वैल्यू भी निकालेंगे, 543.246, ठीक है, ये हो गया। तो हर एक डिजिट की अपनी अलग अलग प्लेस वैल्यू होती है और अलग अलग फेस वैल्यू होती है, मतलब इस डिजिट की फेस वैल्यू होगी कुछ और कुछ इसकी प्लेस वैल्यू भी होगी। इसी तरीके से हमने एक ही नंबर लिया हुआ है, उसकी हम प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे और उसकी जो है फेस वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो ये देखिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3 × 10, 4 × 10, 4 लिखा हुआ है तो 4 × 10, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 × 5 × 100। देखिए जो यूनिट डिजिट है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके लिए, जब आपको प्लेस वैल्यू निकालनी हो, प्लेस वैल्यू। अब जब आपको 10th प्लेस वाले की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए 4 × 10 आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 प्लेस वाले की प्लेस वैल्यू निकालनी होगी तब 5 × 100 करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखिए जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स होंगे, जो आपके डेसिमल के बाद वाले नंबर्स होंगे, उसकी कैसे निकाली जाती है, 2 डिवाइड बाई 10, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 1 नहीं करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, क्योंकि जब आप 2 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तभी आपका 0.2 आएगा, 2 बाई 1 अगर कर दोगे तो आपका 2 हो जाएगा, ये गलत होगा, तो पॉइंट के बाद से वो जो है आपको 10 करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम 4 की वैल्यू लिखें, 4 की जो प्लेस वैल्यू क्या होगी इस नंबर में, तो 4/100, और 6 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6/1000। तो ये तो हमने यहाँ पर प्लेस वैल्यूज लिख दी सबकी, ये हमने यहाँ पर सबकी प्लेस वैल्यू लिखी है। जो पॉइंट के बाद वाला आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से 2/10, 4/100, 6/1000, लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट के लिए 3 × 1, 4 × 10, 5 × 100। तो आप जो है सारे नंबर्स को ऐड करोगे, ये जो भी आपका आया है उसको ऐड करोगे तो आपका यही नंबर आ जाएगा। कैसे, देखिए ये हो गया 500, ये हो गया 40, ये हो गया 3, ये हो गया 2/10, ये हो गया 4/100, ये हो गया 6/1000। तो आप सभी को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 453, यहाँ पर क्या हुआ 0.2, यहाँ से 0.4, इस तरीके से ये हुआ 0.2, आगे है 0.04, ये हुआ 0.006। आप सभी को ऐड कर दीजिए,
543.246 आ जाएगा। तो देखिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इस नंबर को या कोई भी नंबर दे रखा हो उसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गई बात प्लेस वैल्यू के बारे में, तो आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपकी वही नंबर आ जाएगा, सेम नंबर आपका आ जाएगा। यानी कि इस वैल्यू को जो हमारा नंबर है वो उसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। अब बात आती है फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू अगर पूछी जाए यानी क्वेश्चन में आपसे ऐसे आ सकता है कि 543.246 में 6 की फेस वैल्यू बताइए या उसका जातिमान बताइए, तो ये सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, जो नंबर दे रखा है आपका वही नंबर होगा। ये इस तरीके से फेस वैल्यू जो है वही दिखेगा, फेस मतलब आपका चेहरा जो भी है वैसे ही दिखेगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, 6 है तो 6 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, और ये इस तरीके से। और प्लेस वैल्यू, जैसा कि प्लेस वैल्यू नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्लेस, जैसा जिसका प्लेस वैसी उसकी वैल्यू, जैसा जिसका प्लेस वैसी उसकी वैल्यू, यही सबसे बड़े प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर उस तरीके से ऐसे। तो देखिए इसको जो है क्वेश्चन से समझेंगे, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा, इसको सॉल्व करते हैं। आप जो है डिफरेंस बनाकर चलिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में, क्योंकि इस पर जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे आते हैं स्टेट एग्जाम में, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है अगर पूछा गया तो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वो क्या है, 47.256। ये नंबर है वो 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5d प्लस 6e। 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5d प्लस 6e इसके बराबर है, और आपसे कुछ वैल्यू आगे दे रखी है, उसका मान आपको वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी सी डी ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए इस चीज़ को आपको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहे हैं द बिलो एक्सप्रेशन इज गिवन इन प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर। तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो प्लेस वैल्यू के फॉर्म में दे रखा है, आपको इसको इसके तरीके बनाना है। तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये कितना होगा 40, ये कितना हो जाएगा 7.2 वाले को क्या लिखोगे, इस चीज़ को हम प्लेस वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/10। 5 क्या हो जाएगा 5/100। 6 क्या हो जाएगा 6/1000। इतना हो गया। अब देखिए ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है और नीचे जो भी लिखा हुआ है दोनों जो है आपको सिमिलर दिख रहे होंगे, बस यहीं से आप कंपेयर करके ए बी सी डी ई की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए इसको कंपेयर करिए, तो ये यहाँ पर जो 40 लिखा हुआ है मतलब क्या है 4/10, यानी कि 4a को जब 4/10 के बराबर करोगे तो आपका a बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ से b बराबर 1 आएगा, b बराबर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। c की वैल्यू इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, c देखिए ऊपर लिखा हुआ है 2c, यहाँ पर है 2/10, तो c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1/10 के बराबर होगी, c की वैल्यू 1/10 के बराबर होगी। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 2c बराबर 2/10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, c बराबर 1/10 इस तरीके से। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, आपको ये चीज़ भी नहीं लिखनी है जो हमने यहाँ पे लिख के आपको बता रहे हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको ये सारी चीज़ें माइंड में करनी है, हम बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। इस तरीके से d बराबर भी आपका 1/100 हो जाएगा। e बराबर, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए ऊपर ये देखिए ये यहाँ पर गलत हो गया, जो d बराबर है वो आपका 100 हो जाएगा, d बराबर आपका 100 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5/d है, 5/d बराबर 5/100 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, d बराबर 100 हो गया, ठीक है, d बराबर 100 हो गया। इसी तरीके से e बराबर 1000, तो ऐसे आपको घुमा के देंगे ताकि आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाओ इनके जो वैल्यू निकालने में, आपको जो है गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आपको इस तरीके से कंबाइन करके दे दिया जाए। तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन में आगे पूछ रहे हैं क्या, 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। आपके पास सारे नंबर्स की वैल्यू है ऑलरेडी, तो 5a करोगे तो 50 हो जाएगा, 3b करोगे तो 3 हो जाएगा, 6c करोगे तो कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और आपसे पूछा गया d, तो ये हो जाएगा प्लस 100 प्लस 3e 3000, सभी को आप ऐड कर दीजिए।
तो सभी को आप ऐड करोगे तो 3000 3100 ये हो जाएगा 3100 और ये 53.6, ये इसका आंसर हो गया। आप सारे नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 3153.6। तो ये तो हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली, कभी कभी ही आते हैं कि आप जो है ऐसे आएगा क्वेश्चन 243.7 में 7 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो ये तो एकदम बेसिक सा है और बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, 7/10 होगी। 7 की प्लेस वैल्यू 7/10 होगी। लेकिन क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, अब जो है दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन को जानेंगे और फिर जो है क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने पूरी सीट डिस्कस कर ली है और उम्मीद करते हैं आपको ड्यूजबिलिटी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, इफ एन इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 देन एन स्क्वायर ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो एन स्क्वायर माइनस 1, जहां एन जो है वो 1 से ज्यादा है और एन होल नंबर है, तो एन से ज्यादा है होल नंबर है, ये चीज आपको दे रखी है और आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके का है और आपको बताना है कि ये किससे डिविजिबल है, 16 12 10 8। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होती है वो आप समझ लीजिए। अगर वो आपको समझ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोई अगर आप यहाँ पर वेरिएबल देखकर डर रहे हो तो आपको डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए यहाँ पर दे रखा है एन की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और होल नंबर होनी चाहिए एन। तो एन की वैल्यू 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, तो आप जो है एन की वैल्यू यहाँ पर रखते जाइए और देखते जाइए कि क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले एन बराबर हम 2 रखेंगे। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका ही यही होता है कि आप जो है एन की वैल्यू अपने आप रखते जाइए, दो तीन बार आप रखिए और फिर उसके बाद आप देखिए क्या चीज़ें आ रही हैं ऑप्शन से, फिर उसको मिलाइएगा। एन बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 3 12 हो गया। जब आप एन बराबर 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 ये हो जाएगा 72। अब देखिए यहाँ पर n बराबर 4 रखोगे, जब n बराबर 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 15, तो 16 इंटू 15 ये कितना हो जाएगा 240। ठीक है 240 हो गया। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 16 12 10 8 हैं। आपको ऑप्शंस में से चेक करना है कौन सा इसका सही हो सकता है। तो देखिए 12 किससे डिविजिबल है, 12 जो है 16 से डिविजिबल नहीं है, कैंसिल हो गया, 10 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन 12 ही इसका सही हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हो, क्या ये 12 डिविजिबल है, ये 12 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, 12 इंटू 6 ये 12 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एन योर वेरिएबल की जो भी वैल्यूज होगी उसको आप 1 2 3 बार चेक करिए और आंसर निकालिए, फिर उससे आप मैच करिए ऑप्शन से, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी और लास्ट क्वेश्चन जस्ट इसी पर है जो हमने अभी आपको बताया, 3 की पावर 25 26 27 28। तो वैसा ही आपको करना है, यहाँ पे जो मिनिमम पावर होगी उसको कॉमन ले लेंगे। तो 3 की पावर 25 कॉमन हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 प्लस 10 13 13 प्लस, तो 3 की पावर 25 इंटू 40 ये हो गया। अब आपको जो है ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस आपका क्या है 16 11 25 और 30। तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, बस यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, तो 16 जो है कब होगा, जब यहाँ पर आपको 16 दिखेगा तभी ये नंबर 16 से डिविजिबल होगा। कहीं पर आपको 16 नज़र नहीं आ रहा है तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, 11 बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि 11 सिर्फ 11 से ही डिविजिबल होगा, तो 11 बिल्कुल गलत हो गया, 16 भी गलत हो गया। 25 कब डिविजिबल होगा, देखिए हमारे पास यहाँ पर तो सारे के सारे टर्म 3 वाले लिखे हैं, ठीक है, तो 3 से कभी 25 बनेगा नहीं। बचा हमारे यहाँ पर 40, तो 40 में 5 तो है लेकिन 25 नहीं है, यहाँ पर 5 इंटू 8 है, ये 40 क्या है,
फाइव इंटू एट, तो यहां पर फाइव तो है लेकिन 25 नहीं है, तो 25 भी गलत हो जाएगा। जो इसका है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 30। कैसे होगा, यहां पर 3 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, 3 की पावर 25 को हमने 3 की पावर 24 इंटू 3 कर दिया। अब जो आपका बचा है आगे उसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 25। और अब आप यहां पर देख सकते हो, एक हमने 3 को निकाल लिया, हमने एक 3 को निकाल लिया। अब आप यहां पर देखो 40 इंटू 3 120, ये हो गया 120, ठीक है, ये हो गया 120। तो 120 आप देख सकते हो ये किससे डिविजिबल है, 30 से डिविजिबल है, 120 ये 30 से डिविजिबल है। आप इसको कट करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या 120 को आप क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 4। 120 को आप 30 इंटू 4 लिख सकते हो कि ये नंबर 30 से डिविजिबल होगा। बस आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सा हमारा ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको कम्प्लीटली डिविजिबल, कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये तो हो गया हमारा पूरा कंप्लीट डिस्कशन सीट नंबर 1 और सीट नंबर 2। सबसे पहले हमने प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, जो भी आपकी सीट बच गई थी उसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया, और इसके बाद डिविजिबिलिटी वाली जो सीट थी हमने उसको भी कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को प्राइम नंबर और डिविजिबिलिटी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम जो आगे स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए, नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक है और हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे, तो थोड़ी चीज़ें डिटेल में हैं और थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मोस्टली जो 50% से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन से ही समझाया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चंस ज़्यादा कराए जाएंगे और क्वेश्चंस आपको कराए भी जा रहे हैं, और प्रैक्टिस शीट में भी आपको जैसा देख सकते हो अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं नंबर सिस्टम के, उसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। तो अब जो आगे वाला हमारा, आगे आने वाला हमारा टॉपिक है वो रहेगा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम के बाद फिर हम यूनिट डिजिट पढ़ेंगे और आपको ढेरों सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो वहाँ पर थोड़ी अब जो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो सिर्फ पूरा बेसिक था जो हमने आपको बताया ऑलरेडी, अब जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के साथ में और ढेरों सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तुम बने रहिएगा और आप लोग जो है फीडबैक देते रहिएगा इंस्टाग्राम पे, आप कोई भी अगर डाउट होता है तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो, वहाँ पर हम आपको आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।